कुंडली पर लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। इन तीन राशियों की बढ़ सकती है मुश्किलें। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। 25 मार्च यानी सोमवार के दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए यहाँ सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर किसी न किसी रूप में पड़ सकता है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि साल का पहला चंद्र ग्रहण किन राशियों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। यदि हम बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको विरोधियों से सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ संयम से काम लेने की ज़रूरत भी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो आपको कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं। इसके लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और योग या ध्यान का सहारा लें। साथ ही नौकरी में आप दबाव भी महसूस कर सकते हैं और सहनशीलता से इसीलिए आप काम लेते रहें। वहीं प्रेम संबंधों में भी थोड़ी अशांति देखने को मिलेगी। अब यहीं बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण मिला जुला प्रभाव देने वाला है। सेहत की दृष्टि से देखा जाए तो थकान और तनाव आप महसूस कर सकते हैं। वहीं नौकरी आदि में कोई निर्णय लेते समय आपको सावधानी बरतनी जरूरी है। व्यापार में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में कोई भी नया जोखिम लेने से आपको बचना है। वहीं बात करें आपके लव लाइफ की, तो आपको प्रेम संबंधों में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने पार्टनर से आप खुलकर बात करें। अब बात करते हैं अंतिम राशि यानी वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण का समय कुछ अच्छा खास नहीं रहने वाला है। आपको इस दौरान नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको दृढ़ निश्चय होना भी बेहतर है। इस दौरान ज़्यादा क्रोध करने से बचिएगा और झगड़े आदि से भी दूर रहिएगा। साथ ही वाहन चलाने में सावधानी बरतिएगा और चोट आदि से भी बचकर रहिएगा। देखिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वृश्चिक राशि वालों को घबराना है। आपको भगवान की पूजा पाठ करनी है, सच्चे मन से अपना परिश्रम करना है। भगवान आपका साथ ज़रूर देंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस थोड़ी सावधानी बरतिए और अपना कर्म करते रहिए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल को। धन्यवाद।